अस्सलाम, दिस इज हमाद योर इंस्ट्रक्टर ऑन कैनवा। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन आपने किस तरह से करनी है। सो इसमें बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लूंगा, बस इतना सा बताऊंगा कि आप अगर पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एनी थिंग यूज टू मेक प्रेजेंटेशन, आप सब भूल जाएंगे और सिर्फ कैनवा के फैन हो जाएंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं ए टू जी बताऊंगा आप प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, प्रेजेंटेशन में क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कैनवा पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप उसको पावर पॉइंट में भी ओपन कर सकते हैं। मीन पीपीटी फाइल कैन बी ओपन फॉर द प्रेजेंटेशन वी मेक इन कैनवा। सो इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी गुड वे दैट हाउ। इसमें फिर एक और चीज़ है, प्रेजेंटेशन मोड्स भी बड़े अच्छे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप पावर पॉइंट को कह देंगे बाय बाय। सो लेट्स गो टू द ट्यूटोरियल। सबसे पहले सिंपली कैनवा डॉट कॉम आपने यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद आपने उसको सर्च करना है। इस तरह से करके एक कैनवा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले आप, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लाइक सेम प्रेजेंटेशन आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो मोबाइल पे बना सकते हैं। सिंपली प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर मैं दिखा सकूँ, ये प्रेजेंटेशन है लिखा हुआ। यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और उसके बाद ये है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और अगर आप इसको क्लिक करें तो प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है। और एक्चुअली ये है फॉर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, जो आपका लैपटॉप या एलईडी टाइप उसका साइज है। उसके बाद ये मोबाइल का साइज है, ये आईपैड्स का साइज है, और इसी तरह से फर्दर डिफरेंट साइजेस हैं प्रेजेंटेशन के। बट द नॉर्मल प्रेजेंटेशन साइज इज दैट जो कि आप पावर पॉइंट में यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आप प्रेजेंटेशन का साइज लगाएंगे। साइज के बाद, उसको सिलेक्ट करने के बाद, एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद, आप इसमें सबसे पहले ये पेज है, इसमें आप देखें फर्दर पेज भी ऐड कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह पेज ऐड करने के बाद आप, ये आपकी प्रेजेंटेशन का पेज है, खाली पेज। अब सबसे मेन चीज है कि आप को यहाँ से ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लाइक ये देखें टेम्पलेट्स, ये बनी हुई प्रेजेंटेशन, ऑलरेडी बनी हुई बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन। आप इनको एडिट करके सिर्फ 10 मिनट में अपनी वेल नाउन वेरी गुड प्रेजेंटेशन जो है ना वो डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना सिंपल, बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन ही अभी लूंगा एक, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाऊंगा। सिंपल ले लेते हैं, इनमें से कोई ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ मैं जी। अच्छा, अगर मैं ये लूँ प्रेजेंटेशन, तो अगर आपको मैं दिखा सकूँ कि ये प्रेजेंटेशन कितनी जबरदस्त है, और इसमें मैं ना एक पेज ऐड करता हूँ। अच्छा, इसमें अब होगा ये कि अगर आप इस पेज को शो पेजेस पे ऐड करेंगे ना, तो आपको नीचे शो हो जाएगा कि आपके कितने पेजेस हैं, और आप एक एक ही दफा से किसी भी पेज पे जा सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल वे। सिंपल वे में आप अब ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई, आपने सपोज दैट आपने इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं चूज करनी, आप सिंपली सबको डिलीट करें। और इसमें आप सिंपली ये है कि सबसे पहले आप इसमें अगर देखें तो आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट हेडिंग ऐड कर सकते हैं, इसमें सबटाइटल्स, सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हेडिंग, फिर उसके बाद सब हेडिंग, फिर उसके बाद बॉडी टेक्स्ट, इसी तरह से हेडिंग्स ऐड हो जाएंगी, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स ऐड हो सकती हैं टेक्स्ट की, टेक्स्ट में इसको आप राइट कर सकते हैं। लाइक हाउ टू प्रेजेंट टू मेक द प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद आप उसका टॉपिक, मोड, कोई भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑन ऑन टॉपिक। इसको सिंपली सिंगल क्लिक से आप इसको ऐड कर सकते हैं। हाउ आई टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। सिंपली आप ये सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इनका साइजेस कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
इसको मैं साइज इतना कर देता हूँ, इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ, इस तरह इसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह से, मूव आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज के जी फॉन्ट्स, फॉन्ट्स बेशुमार, इतनी आपको फॉन्ट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगी जितनी आपको यहाँ पे कैनवा पे मिल जाएंगी। देखें आप इसको, इसको जितना स्क्रॉल करते जाएंगे आपको फॉन्ट्स 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 इतनी फॉन्ट्स नजर आएंगी। कोई फॉन्ट ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिस होगी। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट फर्दर चीजें, आप इसको इसका साइज यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर दें, इसको येलो कर दें, और इसी तरह से इसको बल्कि ये कर देता हूँ। इसके बाद कोई और कलर रेड यूज कर लेते हैं। इसके बाद ये टेक्स्ट जो है वो इसको हम किसी भी कलर को ग्रीन कर देते हैं या व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट तो फिर मिल जाएगा उसी के साथ पेज पे, इसको ब्लैक ही कर देते हैं। कलर के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक्स में मूव कर सकते हैं, इसकी लाइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी स्पेसिंग, इसमें बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स के बाद आप इसकी स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें एज यू विश। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक इसको मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, लाइक इस तरह से इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स के बाद आप इसको ये इस तरह से होलो इफेक्ट यूज कर सकते हैं, इको यूज कर सकते हैं, आप इसको नियॉन लाइट इफेक्ट जैसे कहते हैं वो यूज कर सकते हैं, आप इसको कर्व कर सकते हैं इजीली। इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं इसको कर्व कर सकते हैं, कर्व को आप इस तरह से मर्जी की कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। दीज ऑल आर द प्रेजेंटेशन टिप्स कि आप प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, लाइक इस सब को सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन, एनिमेशन इज द मेन थिंग दैट हाउ टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रेजेंट योर स्लाइड्स विद एनिमेशन, सो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो आप इसमें कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे एलिमेंट्स ही ऐड किए हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं, लाइक ये वाले एलिमेंट्स। इसमें आपको ऑटो जनरेटेड एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइक इसमें मुझे मैजिक रिकमेंडेशन में ये दिया हुआ है, ये इनको यूज कर सकता हूँ, लाइक इसकी जगह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ फोन में, और इनको इनको मैं यूज करने के बाद फिर मेन चीज के मैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक जहाँ पे लाइट है मैं उसको रेड कर सकता हूँ, और जहाँ पे डार्क ब्लू है मैं उसको ग्रीन कर सकता हूँ, और इसी तरह से जहाँ पे व्हाइट है मैं उसको येलो कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। जो भी आप इसमें ग्राफिक्स ऐड करना चाहें, ग्राफिक्स के बाद आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फोटोज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसमें फोटोज ऐड कर सकते हैं। फोटोज लाइक समझते हैं कि आप इसमें कोई भी फोटो, इसमें मैं लिखता हूँ जी किस डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर है, तो मैं शॉप्स लिख देता हूँ, शॉप्स की पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ, या मोबाइल्स की, या कोई भी। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हैं, इतनी पिक्चर्स हैं कि आप थक जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कुछ लिखता हूँ, शायद कुछ आ जाए। ये देखिए, ये पिक्चर्स आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसमें इसमें कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स में अगर आप आए, अगर आपको मैं दिखा सकूँ एलिमेंट्स में अगर आप आए, ये देखिए ये एलिमेंट्स है ये वाला, तो अगर इसमें आप आए तो आपको फ्रेम्स नजर आएंगे। आप सर्च में लिखे फ्रेम, ये फ्रेम आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम एडजस्ट किया यहाँ पे, इसके अंदर ये पिक्चर ड्रैगन ड्रॉप, जस्ट ड्रैगन ड्रॉप। उसके बाद डबल क्लिक के बाद आप पिक्चर को एडिट, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से कोई भी आप फ्रेम यूज करते हुए उस पिक्चर को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ये फ्रेम यूज कर लें आप, ठीक है। उसके बाद आप तो पिक्चर्स में जाएं, फोटोज में, फोटोज में जाने के बाद मैं जी सोच रहा हूँ ये वाला ऐड करता हूँ इसमें। अब ये मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसके अंदर और ये हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं भी, इस पे मैं डबल क्लिक करके इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई चॉइस।
ओके जी, उसके बाद आप इसमें ऑडियो जो अगर आप इस वीडियो भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट, अगर मैं बताऊं तो डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, लाइक इसमें एनिमेशन हो गया, इसमें मोड हो गया, इसमें स्कोप। फिर उसके बाद आप इसका टाइम कम या ज़्यादा एनिमेशन का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइड्स शो हो जाएंगी, ये देखते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त स्लाइड्स। अब ये देखें, ये एलिमेंट है। अगर इसमें आप ये देखें, इस तरह से बेसिक एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कोई भी एलिमेंट्स है ना, लाइक ये यूज हुआ हुआ है, इसके बाद ये यूज हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये एक्चुअली एलिमेंट्स वेक्टर्स ऐड हुए हैं, जिसे आप वेक्टर्स कहते हैं। इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। ये देखें, इसका व्हाइट कलर है, जहाँ पे मैं उसको अगर रेड करूँ तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इस तरह से ये फीमेल है, एक लड़की बनाई हुई है। उसके बाद ये वाले भी एलिमेंट्स हैं। अगर इनको मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, ऑलरेडी जो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, इन बैंक, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, और इसके बाद मुझे ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह से सर्च करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मुझे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स जो है ना वो शो होने लग जाएंगे। उसके बाद मुझे इस तरह के ये मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे कहीं पे भी इसको यूज करना है तो मैं इजीली इसमें से ले सकता हूँ, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। ये देखें आप, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें जितने कलर्स हैं मैं सारे यहाँ से आके चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा रेड इस वजह से यूज करता हूँ कि रेड इज अ प्रोमिनेंट कलर, थोड़ा सा नजर आ जाता है। और उसके अलावा ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है, रेड यूज करना, ब्लैक कर सकते हैं आप, ब्लू कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये जूम और जूम इन और जूम आउट के लिए यूज होगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको आ जाएगा। ये मैं जस्ट आपको टूल्स बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आपने अपने हिसाब से बनानी है। बाकी ये है कि आप ऑलरेडी बनी हुई प्रेजेंटेशंस को यूज कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त ये प्रेजेंटेशन बनी हुई थी जिसको मैंने यूज किया है। उसके बाद इसमें आप चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें ये देखें, चार्ट्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, चार्ट्स और ग्राफ्स डिफरेंट इस तरह के आ जाएंगे। फिर इनके आगे फर्दर इनमें आपने डाटा किस तरह पुट करना है, ये देखें, ये आ जाए आ गया रोज एंड कॉलम बेस, ठीक है। इसमें अब मैं अगर इसको कर देता हूँ, ये फॉरन चेंज हो जाएगा, फॉरन इसकी जो है ना वो, इसको मैं एडजस्ट करूंगा जहां पे मुझे इसकी जरूरत है। तो इसको इस तरह से आइटम 1, 100 और इस तरह से मुझे जिस तरह से इसको एडजस्ट करना है। मैं रोज को कॉलम्स में भी चेंज कर सकता हूँ और कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकता हूँ। फिर उसमें नेम्स भी उनके मैं लिख सकता हूँ। ये बड़ा मजे की चीज है। और उसके बाद एलिमेंट्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद क्या रह गया जी, उसके बाद सबसे मेन चीज की प्रेजेंटेशन डाउनलोड कैसे करनी है। सिंपली इधर आए इधर, और अगर आप फोन पे हैं तो फोन पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह का एक ऑप्शन आइकन बना होगा, ये सेम आइकन बिल्कुल कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल पे टूल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे भी सेम फंक्शन है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको आपको फौरन नजर आ जाएंगे सारे। इसको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप नीचे आए तो आपको पता चले कि आप इसको गूगल टीम पे भी शेयर कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड PNG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में और MP4 में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करेंगे और आपके पास डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं जी मुझे चाहिए PPT में, जो कि बाद में पावर पॉइंट में जाके एडिट भी हो सके, ओके मिल जाएगी। सिंपली आपने मोर पे क्लिक करना है, मैं शायद देखा नहीं, सिंपली आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद मोर का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आना है आपने तो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पावर पॉइंट में ही डाउनलोड होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट पे इसको प्रेजेंट नहीं करना, इसमें एक और ऑप्शन है प्रेजेंट का, आप इसको यहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसको प्रेजेंट पे क्लिक करें तो इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट होती जाएगी इस तरह से। ये देखें, बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनी हुई है। क्वेश्चन यहाँ से आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे, एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, पिक्चर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो तक ऐड कर सकते हैं इसमें आप, हाइपर लिंक्स वगैरह किस तरह से क्लिक करने हैं, और इसके बाद प्रेजेंटेशन को द बेस्ट वे में प्रेजेंट कैसे करना है, इस पे एक कम्प्लीट वीडियो है, वो इसके साथ ही मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए कामयाब रही होगी, आपको इससे कुछ काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप सो कि यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड ऑब्वियसली शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.